बड़ी खबरें जिस पर हमारी नजर रहने वाली, वो आपको बताते हैं। और सबसे पहले बात, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रूस दौरे पर रहेंगे, क्या खास तैयारियां वहां पर की गई है, कितने उत्सुक वहां पर लोग नजर आ रहे हैं, क्योंकि वहां पर भारत के लोग भी है, उन्होंने ग्रैंड वेलकम की तैयारी की है। एक्सक्लूसिव रिपोर्ट, एक एक तस्वीर आपको आज देखने को मिलेगी और रिपब्लिक भारत एक एक तस्वीर आप तक पहुंचाने वाला है। और इसके अलावा और बड़ी खबरें क्या रहने वाली है वो भी आपको बता देते हैं। देखिए, एक तरफ जहां प्रधानमंत्री रूस में होंगे, वही दूसरी बड़ी खबर की हाथरस कांड में कैसे लगातार एक्शन देखने को मिल रहा है। बिल्कुल, तीन कौन सी वो बड़ी खबरें हैं, आइए पहले वो विस्तार से जान लेते हैं। सबसे पहले बात होगी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के रूस दौरे की, क्योंकि आज उनका जो रूस दौरा है वो कई मायनों में अहम है और इसकी तस्वीरें देखिएगा। रिपब्लिक भारत आज दिन भर आपको हर एक अपडेट देगा राष्ट्रपति यानी कि रूस दौरे को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की, और साथ ही साथ बात होगी अगली खबर यानी कि आज हम सबसे पहले बात तो देश के प्रधानमंत्री मोदी के रूस दौरे को तो लेकर करेंगे ही, इसके अलावा बात होगी जम्मू कश्मीर में आतंक की सफाई पर लगे उन जाबाज जवानों की जिन्होंने कुलगाम में 6 आतंकियों को मौत के घाट उतार दिया है, और इसके बाद बात होगी कि किस तरीके से हाथरस के गुनहगार सूरज पाल की, जो अपने गुनाह छिपाने के लिए बता रहा है भगदड़ कांड की नई थ्योरी, वो नई थ्योरी क्या है इस पर भी हम आपको विस्तार से जानकारी देंगे। लेकिन देखिए किस तरीके से आज ये तीन बड़ी खबरें जो सुर्खियों में रहने वाली है। सबसे पहले बात होगी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के रूस दौरे की, इसके बाद बात होगी ऑपरेशन सफाया यानी कि आतंकियों का किस तरीके से एक के बाद एक सफाया हो रहा है। हमारे जो जाबाज सेना है वो लगातार सफाया आतंकियों को कर रहे हैं और खात्मा भी उनका हो रहा है। और उसके बाद तीसरी खबर की बात होगी हाथरस कांड की। तो देखिए आज की बड़ी खबरें तो हमने आपको बता दी कि कौन सी बड़ी खबरें हम आपको बताने वाले हैं, लेकिन देखिए महाबलियों की मुलाकात आज होने वाली है और पश्चिमी देशों की नजर इस मुलाकात पर रहने वाली है। क्या कुछ तस्वीरें निकलकर सामने आती है वो देखना काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट, लेकिन इस खबर को लेकर और ज्यादा जानकारी आपको ग्राफिक्स के जरिए देते हैं। तो महाबलियों की मुलाकात होने वाली है, लेकिन ये मुलाकात आखिर इतनी खास क्यों है, आखिर इस मुलाकात की इतनी चर्चाएं क्यों हो रही है, जिससे अब पश्चिमी देश जो है उसमें भी खलबली मच जाएगी। जरा ये समझ लेते हैं। देखिए रूस के दौरे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रहने वाले हैं, राष्ट्रपति पुतिन के निमंत्रण पर रूस आज प्रधानमंत्री जाने वाले हैं और ये निमंत्रण भेजा गया है क्योंकि शिखर सम्मेलन वहां पर है। 8 और 9 जुलाई को मॉस्को में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रहने वाले हैं। दोनों देशों के बीच कई मुद्दों पर बैठक होगी और ये बैठक काफी अहम होने वाली है। भारत रूस शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेंगे प्रधानमंत्री। वैश्विक मुद्दों पर भी आज चर्चा होने वाली है जिस पर नजर रहने वाली है। रूस दौरे पर पश्चिमी देशों की भी नजर है और साथ ही साथ रूस के प्रवक्ता दमित्री पेस्कोव का यह दावा है कि इस यात्रा से जल रहे हैं पश्चिमी देश, ये दावा किया गया है। पीएम रूस के बाद ऑस्ट्रेलिया भी जाने वाले हैं और ये दौरा यानी कि ऑस्ट्रेलिया दौरा भी काफी खास होगा। 41 सालों बाद भारतीय पीएम पहुंचेंगे, ऑस्ट्रिया जाएंगे और ये ऑस्ट्रिया का जो दौरा है ये भी, क्योंकि देखिए 41 सालों के बाद जाने वाले हैं और इसके बाद जो है ये माना जा रहा है कि जब मुलाकात होगी, चर्चा होगी, खास करके रूस की अगर हम बात करें तो ये चर्चा मुलाकात कई मायनों में अहम और खास रहने वाली है। तो फिलहाल आपने ग्राफिक्स के जरिए देखा कि कैसे अब फिलहाल वहां पर तैयारियां की जा रही है और कई देशों के राष्ट्राध्यक्ष भी फिलहाल शामिल होने वाले हैं। लेकिन सबसे पहली बात कि देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का तीसरा कार्यकाल है, तीसरी बार प्रधानमंत्री बने हैं देश के और तीसरे कार्यकाल की उनकी पहली रूस की यात्रा है, इसलिए पहली रूस की यात्रा खास तो होगी और मेहमान भी खास होने वाले हैं। और सबसे पहले जो बाकी देश है उनकी नजरें भी आज की इस मुलाकात पर रहने वाली है, क्या है खास और क्या तैयारियां वहां पर की गई है, आपको उस रिपोर्ट के जरिए बताते हैं।